अब यहां तो तुम मानोगे ना कि ईश्वर होता है। मैंने कब कहा, मैंने ऐसा कब कहा कि ईश्वर नहीं होता या कोई ताकत नहीं होती है? ये क्या है? यदि आप मुझसे पूछेंगे कि सर आप मेरे सामने आप विकल्प देंगे कि तुम कहां जाओगे, छोटा सा मंदिर है, एक मॉस्क है, एक चर्च है, एक गुरुद्वारा है, यहां चारों जगह पर जाके तुम कहां पर आराधना करोगे, कहां पर अपनी प्रार्थना करोगे डॉक्टर जितेंद्र, और सामने एक जगह पर एक गड्ढा खुदा हुआ है जहां पर मुझे पीपल का एक पेड़ लगाने की अपॉर्चुनिटी है, बरगद का एक पेड़ या आम का एक पेड़ लगाने की मेरे पास में अपॉर्चुनिटी है, तो तुम कहां जाओगे? तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट का वक्त है, मैं दौड़कर जाऊंगा उस गड्ढे के पास, वहां पर एक आम का पेड़ लगाऊंगा और उसको मिट्टी से भर दूंगा, सुरक्षा का प्रबंध कर दूंगा, मैं ना मंदिर जाऊंगा, ना मस्जिद जाऊंगा, ना गुरुद्वारा जाऊंगा, ना मैं कहीं और जाऊंगा। आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही गलत बात कर रहे हो, एकदम गलत बात कर रहे हो आज आप, हम तो आपसे नाराज हैं। मेरे निजी विचार हैं बेटा, मैं आप एक्सप्रेस कर सकता हूं उसको। मैं ऐसा इसलिए करूंगा क्योंकि मुझे नंबर 1 मैं चारों में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता हूं कि मुझे कहां जाना है। मैं ऐसा नहीं मान सकता हूं कि मेरा ईश्वर श्रेष्ठ है या उनका ईश्वर श्रेष्ठ है या उनका ईश्वर श्रेष्ठ है। मैं ऐसा ही मानता हूं सब एक है, नंबर 1। नंबर 2 मेरे प्रार्थना करने से बेहतर होगा कि मैं उस पौधे को लगा दूं। हो सकता है उस लगाए गए आम के पेड़ पर से पर जब बड़ा हो जाएगा, फल लगेंगे, जाने कितनी चिड़ियाएं आके बैठेंगी, वो चिड़ियाएं फलों को खाएंगी, ठीक है, कोई लोग भूखे होंगे वो भी उसके फल लेंगे, उसकी छाया होगी, उस पर लोग जानवर आके सुस्ताएंगे, इंसान आके सुस्ताएंगे, उस पर छोटे छोटे वॉर्म, बहुत सारे लोगों का जीवन, एक ट्री अपने आप में एक इकोसिस्टम है, जाने अनजाने वो तोता जो फल खाएगा उसका, उसे नहीं मालूम कि किसने लगाया था। सच्ची दुआएं हैं वो जो दिखाई नहीं पड़ती हैं। जो हम और आप मांगते हैं ना वो स्वार्थ होता है, ठीक है, सच्ची दुआएं कभी दिखाई नहीं पड़ती हैं। अपनी मां से पूछिएगा, आप कुछ भी बोल देते हैं लेकिन उनके दिल में हमेशा आपके लिए होता है कि ये तरक्की करे, अच्छा हो, ईश्वर सुरक्षित रहे, कोई तकलीफ ना हो जाए इसको। सच्ची दुआएं अंदर से निकलती है, उसका कोई मोल नहीं होता उसका। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पे मैं बिल्कुल कहता हूं, आज हमारे सामने कुछ है तो हम कहते हैं जो प्रकृति, नेचर, यदि आप प्रकृति को सहजते हैं ना तो आप सबसे बड़ी आराधना कर रहे हैं, सबसे बड़ी आप कोशिश कर रहे हैं।